तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कर्ली हेयर ड्रॉ करना। बहुत इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत लंबे टाइम से भी आ रही थी, लेकिन मैंने पहले ऑर्डिनरी जो स्ट्रेट हेयर होते हैं मैंने उसको कवर किया, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी है। इससे मैं कंपेयर करूँ तो वो ईजी है ड्रॉ करना। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। और हमेशा की तरह आपको आउटलाइनिंग ड्रॉ करनी है, किस तरीके से करनी है। लगभग प्रोसीजर मेथड जो है वो सेम है। आप कोई भी मेथड यूज़ करो, मैं यहाँ पे आउटलाइनिंग जो है वो मैं फ्री हैंड यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी तरीके से किसी भी मेथड को यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जो आपको इजी लगे या फिर जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी शेडो है, जो भी हाईलाइट है, आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना है आउटलाइन में, क्योंकि आगे आप फंस जाओगे नहीं तो। क्योंकि कर्ल हैं, हेयर जो हैं वो कहीं ना कहीं मुड़ी हुई हैं, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके रेफरेंस को आपको सारी चीज़ें मार्क करनी है कि कहाँ पे। आपको ये भी ध्यान रखना माइंड में कि कहाँ पे जो है शैडो डालना है, कहाँ पे हेयर को डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी जो हम हेयर ड्रॉ करते हैं, जो स्ट्रेट होती हैं, उनसे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। आउटलाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा टूल्स बता देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। अप्सरा की HB पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ, आर्टलाइन की 2B और 4B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ हाईलाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर मैं यूज़ करूँगा। मैकेनिकल पेंसिल में मैं 2B और 4B यूज़ करूँगा, 0.5 की है मेरे पास, 0.5 mm की। और मैं इंडेंटेशन मेथड भी यूज़ करूँगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। वैसे ज़्यादा यूज़ की नहीं है, तो मैं पेन ले रहा हूँ जिसकी इंक नहीं है। और ब्लेंडिंग ब्रश में सॉफ्ट ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो ये सारी टूल्स हैं जो कि मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। आप अगर इसको ड्रॉ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप रख लो और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें रेफरेंस को और भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि एक पोर्शन है ऐसा जो कि कंप्लीट डार्क है, कंप्लीट ब्लैक है, और एक पोर्शन जो है वो लाइट है, हाईलाइटेड है, या फिर यूं कहूँ तो मैं वहाँ पे जो वो पोर्शन है वो वाइट है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है शेडिंग करते टाइम। पहले मैं कवर करूँगा डार्क पोर्शन को, जहाँ पे डार्क जो भी डार्क पोर्शन है मैं उसको कवर कर लूँगा। उसके बाद वाइट पोर्शन जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर मैं काम करूँगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा आगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं पेन को यूज़ करके इंडेंटेशन क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि जो उस पोर्शन को जब भी मैं डार्क करूँगा आगे, तो वहाँ पे हमें टेक्सचर मिल सके। क्योंकि डार्क पोर्शन में इरेजर्स के थ्रू हाईलाइट प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा हमारा जो है काम को आसान कर देता है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर डार्क मैं करने वाला हूँ, वहाँ पर थोड़ा मोड़ा इंडेंटेशन जो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट लेयरिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल है मेरे पास। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है, उसको थोड़ा सा शार्प कर लो और बड़े हल्के हाथों से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं सबसे पहले कवर करूँगा डार्क और एरिया को, वो ज़्यादा आसान होता है सेटिंग करने में। तो सबसे पहले मैं मार्क करूँगा कि कहाँ पर वाइट एरिया है, वहाँ पर मैं कुछ भी सेटिंग अभी नहीं करूँगा। जो पोर्शन डार्क है मैं उसको पहले कवर करूँगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, मैं ब्रश को यूज़ करके ब्लेंड कर लेता हूँ। और आप ध्यान से देखो, जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है
बहुत हद तक हमने जो टेक्सचर है वो उसको ऑप्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हेयर किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं 4B पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, चूँकि मैंने जो ड्राइंग बनाई है, अभी ये जो ड्रॉ किया है वो साइज़ इसकी छोटी है, तो नॉर्मल जो पेंसिल है उसमें मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, बट ईजी होता है मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करना ऐसे छोटे जगह पर जब हम डार्क कर रहे हैं तो ईजी हो जाता है। तो इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी एरिया यहाँ पर मैंने डार्क एरिया को मार्क किया था उसको और भी कंप्लीट हम डार्क करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डार्क कर देंगे, जहाँ पे कम डार्कनेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम थोड़ा लाइट सेटिंग करेंगे। गाइज देखो, एक चीज़ आप बात समझ लो कि अगर मैं 2 घंटे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 घंटे मैंने रिकॉर्डिंग करी है, तो एक एक मिनट मैं नहीं बोल सकता, मैं 2 घंटा लगातार या 2-3 घंटे में लगातार नहीं बोल सकता। आपको आपकी जो ऑब्जर्वेशन, आप एक आर्टिस्ट हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ बिना बोले तो आपको कहीं ना कहीं, मैं भी वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वहाँ भी आपको समझा ही रहा हूँ, तो आप वो देख के बहुत कुछ समझ सकते हो। आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करो, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखो ध्यान से, और आपको समझ में आने लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक पार्ट को बोल के समझाऊँ या वर्ड्स में समझाऊँ, आपको विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, जो मैं बना रहा हूँ आपको वैसे भी समझनी पड़ेगी, और आपको समझ में आनी चाहिए। आप एक आर्टिस्ट हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपको हर एक चीज़ कोई बता के समझाता तभी समझ में आता है, मतलब कि आपको इस स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। तो गाइज, राइट पोर्शन को हमने लगभग कंप्लीट कवर कर लिया है। ब्लेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि सारी ब्लेंड सेटिंग जो हमारी मिक्सअप हो जाए अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड करता हूँ, जैसा कि मैंने रेफरेंस में दिखाया था कि कौन से पोर्शन कहाँ पे वाइट हाईलाइट की ज़रूरत है, उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा, उसको मैं आराम से धीरे धीरे उसको हाईलाइट प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे।
तो क्या जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ उसकी साइज़ जो है वो छोटी है, तो यहाँ पे मुझे फ़र्दर हाईलाइट प्रोवाइड करने के लिए जेल पेन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोनो ज़ीरो इरेज़र है वहाँ पे मैं छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा। तो अब भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही पतले जगह पे वाइट पोर्शन की ज़रूरत है, बहुत ही छोटे जगह पे, तो वहाँ पे जहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो मोनो ज़ीरो इरेज़र आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो वाइट जेल पेन। तो गाइज राइट साइड के हेयर को हमने कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है, कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड के पोर्शन को ड्रॉ करना। और मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से मैंने राइट साइड पोर्शन को ड्रॉ किया उसी तरीके से मैं इधर भी ड्रॉ करूँगा। देखो जब भी आप कर्ली हेयर ड्रॉ कर रहे हो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस लगभग मैं बताऊँ तो सेम है, जिस तरीके से आप स्ट्रेट हेयर या फिर ऑर्डिनरी हेयर जो आप ड्रॉ करते हो प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हाईलाइट, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ में यहाँ पे जब कर्ली हेयर होते हैं तो छोटे छोटे एरियाज़ में आपकी जो शैडो है वो चेंज हो जाती है, हाईलाइटिंग चेंज हो जाती है, इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको अच्छे तरीके से रेफरेंस को ऑब्ज़र्व कर लो, ठीक है, कि कहाँ पे हाईलाइट, कहाँ पे शैडो, कहाँ पे कितना डार्क शेडिंग प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दोगे जिस तरीके से मैंने राइट साइड वाले पोर्शन को बताया उसी तरीके से हमें लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को कवर करना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, और अगर आपने टाइम नहीं दिया, कर्ली हेयर ड्रॉ कर रहे हो और आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो आपकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो आपको टाइम देना है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बीच में रेस्ट ले लो, बीच में ब्रेक ले लो, अगर आप बना रहे हो आपको लग रहा है कि अब नहीं बनेगा थोड़ा सा ब्रेक दे दो, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करो, प्रोसेस सेम है, आपको बस ऑब्जर्व अच्छे से करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, बन जाएगा।
तो गाइज उसी तरीके से मैंने फर्स्ट लेयर दे दी है और आगे के प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। तो बस आप देखते जाओ, आपको देख के भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको कैसे किस तरीके से ड्रॉ करना है, और अगर आपने ये ड्रॉ किया है आपने नहीं बना है तो आपने क्या क्या गलतियाँ करी, ठीक है। तो आप आगे का प्रोसेस पूरा देखो आराम से किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। आप भी अगर ये ड्रॉ करना चाहते हो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। मैं रेफरेंस पिक्चर जो ओरिजिनल पिक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ड्रॉ करना बताऊँगा और ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद अगर डिजाइन करो